चलिए भैया शुरू करते हैं। तो हम लोग जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो है हमारा सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर जो है वो मटेरियल का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक पूरी की पूरी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम सेमीकंडक्टर से बने हुए इक्विपमेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब जैसे दो चीजें होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिकल और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग ली है और इंजीनियरिंग के बारे में सुना है कभी कुछ, तो दो ब्रांचेस होती है उसमें, क्या इलेक्ट्रिकल होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसके पहले मैंने सोचा यार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है, दोनों के दोनों ही तो हमारी क्या है किस पर, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। जैसे मैकेनिकल ब्रांच है उसमें स्पेसिफिक है कि भैया मशीन्स और इन सब की चीजों को बनाना है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी वाली बात आती है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स दो हिस्से रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उसमें अंतर ये है कि जहां पर इलेक्ट्रिकल में जो करंट जाती है वो एम्पियर्स में जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जाती है वो मिली और माइक्रो एम्पियर्स में जाती है। मतलब ऐसे इक्विपमेंट जिसमें करंट एम्पियर्स में जाती है वो हमारी होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और जिसमें करंट हमारे माइक्रो और मिली एम्पियर्स में जाती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सबसे बेहतरीन रेवोल्यूशन करा जापान और साउथ कोरिया ने। जापान साउथ कोरिया में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर्स का आविष्कार हुआ, सिलिकन जर्मेनियम और इस तरह के कई सारे मटेरियल थे जिनके जरिए एक डिफरेंट टाइप की चीजें बनाई गई, फिर उन्हें चिप बनाई गई। जापान में सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक, जापान और साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाए गए और उसमें उनके ऊपर चर्चा करी गई, मतलब उनके ऊपर काम किया गया, बहुत सारे पेटेंट लिए गए। अमेरिका भी इसमें था, अमेरिका में भी बहुत सारे पेटेंट लिए। ठीक है, यूरोप ने उतने ज्यादा पेटेंट्स नहीं लिए। इधर बात आती है, अभी हाल फिलहाल पेटेंट्स में नंबर वन पे है चाइना, सबसे ज्यादा साल के पेटेंट लेता है। लेकिन चाइना के बारे में क्या समस्या है कि चाइना जो है चोरी कर करके पेटेंट करता है। चाइना में पेटेंट हो जाते हैं बड़े आसानी से, चाइनीज कंपनियों के पेटेंट चाइना में आराम से हो जाते हैं, चाहे तुम चोरी करके करो चाहे कुछ करो। चाइना का एक बहुत ही बेहतरीन वो है दुनिया में, उसका नाम किस बारे में, चोरी करने के मामले में, आईपी थेफ्ट में। आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट में चाइना नंबर वन पे आता है, ऐसा देश जो सबसे ज्यादा चोरी करता है। मतलब आप अगर कोई आइडियल, जैसे मान लो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और इंडिया में मैंने एक ऐसा क्या कहते हैं ग्लास का आविष्कार किया जिसको मैं रख देता हूं और वो गिरता नहीं है, मतलब मैं अगर थोड़ा सा हिदक्का देता हूं तो वो गिरता नहीं, ऐसा हो चुका है एक, मैं इसीलिए एग्जाम्पल दिया। तो चाइना क्या करेगा, तुम्हारे पूरी रिसर्च पड़ेगा, ये पड़ेगा, दो पड़ेगा, 10-15 चाइनीज इंजीनियर लगेंगे और उसकी चोरी कर लेंगे, नकल कर लेंगे। अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जिसको इतने आसानी से चोरी नकल नहीं किया जा सकता, तो अब किसी को चाइना में माल बेचने जाना है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सोनी की टीवी है जो वो चाइना में गई, तो अब वो चाइना में ऐसा सिस्टम है कि तुम चाइना में इंडिविजुअल नहीं बेच सकते कुछ भी, मतलब तुम जैसे गए और सोनी की बेचना चाहो तो नहीं बेच पाओ, तुम्हें किसी ना किसी चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनर होना पड़ेगा और तुम्हें अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर करनी पड़ेगी। मतलब चाइना में अगर तुम्हें टीवी बेचनी है सोनी की, तो किसी चाइनीज कंपनी के साथ तुम्हारा कोलेबोरेशन होगा, उसके साथ बेचोगे और उसको तुम्हें अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब वो टीवी कैसे बनाई जाती है ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ये उनका पूरा एक सिस्टम चलता है, सरकार का ऐसा सिस्टम है। खैर, हमारा ये चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। उसके पहले हम सेमीकंडक्टर पढ़ ले, उसके पहले हम मटेरियल को अपने तीन भागों में बांटते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सेमीकंडक्टर्स को हम तीन भागों में बांटते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर। मटेरियल्स को तीन भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, तीन भागों में बांटते हैं सेमीकंडक्टर। यहाँ पर जो मैंने आपको बनाए हुए हैं, ये जो एलईडी दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा एक एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड है, ये डायोड हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं। और ये है ट्रांजिस्टर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ऑल्दो ट्रांजिस्टर का हम उतना यूज अभी करते नहीं है, पर हाँ थोड़े रीडिफाइंड ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, जो हम पढ़ेंगे उनका नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल को पढ़ने से पहले, वैसे तो हमें क्रिस्टल नाम की चीजें भी होती है मटेरियल में, लेकिन क्रिस्टल एक जमाने में हुआ करता था, अभी हमारे पास नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले अपनी जो चीज पढ़नी है यहाँ पर, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एनर्जी बैंड, एक मिनट रुक जाओ जरा।
ओके भैया, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ। हाँ बेटा सर, अभी अगर आपने कुछ पढ़ाया हो तो थोड़ा रिवाइज करा दीजिए। बस शुरू शुरू कर रहा हूँ। सबसे सबसे पहला टॉपिक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या होता है सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए, हमारी डेली लाइफ में कितने सारी जगह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज करते हैं, डायोड कितनी जगह यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर बहुत सारी जगह यूज करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहा अभी तक। ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। चलो तो एनर्जी बैंड के बारे में बात करते हैं हम लोग। एनर्जी बैंड क्या होता है फिर उसको समझेंगे। एनर्जी बैंड जो है, ऐसे जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या है कि जो भी एक आइसोलेटेड एटम की अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है। ठीक है, फाइन। तो अब वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है और वो जंप कर सकता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो उन ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में जंप कर सकता है। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस है कि नहीं है, इन पे भी बात होती है। तो आइसोलेटेड एटम में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है किसी एक अलाउड ऑर्बिट में लाई कर सकता है और उस अलाउड ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, तो किसी एक आइसोलेटेड एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल एक अलाउड ऑर्बिट में रह सकता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी अलाउड ऑर्बिट में रह सकता है और सच ए शार्पली डिफाइंड, इनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक, अभी एनर्जी लेवल्स कहते हैं जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अभी एनर्जी बैंड नहीं आ रही है, सुनना मेरी बात। लेकिन दो या दो से ज्यादा एटम जब बहुत ही नजदीक नजदीक लेकर आते हैं तो वहां पर एनर्जी का अल्टरेशन होता है और लेवल जो होते हैं वो लेवल लेवल ना बन करके बैंड बन जाते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी आइसोलेटेड एटम है तो वहां पर, तो जो हमने पिछला बोर का एटम पढ़ा उसमें आइसोलेटेड एटम के बारे में बात करा, पर नेचर में आइसोलेटेड एटम मिलते कहां हैं? हमारे पास जो भी एटम होते हैं वो मटेरियल के भीतर होते हैं, तो बहुत सारे एटम एक साथ रहते हैं। तो जब बहुत सारे एटम हमारे एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, जो हमारे बहुत सारे एटम एक साथ रहते हैं तो सिस्टम कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि ये एक दूसरे को, मतलब जब नजदीक नजदीक बहुत सारे लेवल आ जाते हैं तो वहां पर एक एनर्जी का बैंड बन जाता है, इनके एनर्जी के बैंड बन जाते हैं और फिर एनर्जी बैंड को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड एटम में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं, लेकिन दो या दो से ज्यादा को हम नजदीक लेकर के आते हैं तो वो एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल्स मिल करके एनर्जी बैंड बना लेते हैं। वो एनर्जी लेवल मिल करके एनर्जी बैंड बना लेते हैं। In isolated atom, the valence electron can only exist in allowed orbitals, each of sharply defined energy called energy level. सबकी fixed energy होती है जिसको हम energy level के नाम से जानते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यदि दो से ज्यादा एटम नजदीक आते हैं, when two or more atom are brought near to each other, there are alteration in energy level. एक की एनर्जी लेवल दूसरे के एनर्जी लेवल के साथ कंबाइंड होकर के एक नया कुछ सिस्टम बना जाती है। एक मिनट रुकिएगा। तो आइसोलेटेड एटम्स से तो एनर्जी लेवल है, लेकिन अगर असली लाइफ में देखें तो किसी भी मटेरियल में बहुत सारे एटम होते हैं और ये जो बहुत सारे एटम होते हैं ये क्या बना लेते हैं, इकट्ठे मिलकर के एनर्जी लेवल से एनर्जी बैंड बना लेते हैं। दे फॉर्म बैंड। ये जो हमारे एनर्जी लेवल होते हैं ये एनर्जी लेवल से बदल करके क्या बना लेते हैं, फॉर्म ऑफ स्प्रेड, एंड दे स्प्रेड इन फॉर्म ऑफ बैंड। तो एनर्जी लेवल ही रहे, कई सारे एनर्जी लेवल मिलके एनर्जी बैंड बना लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एनर्जी लेवल्स फॉर्म्स एनर्जी बैंड्स। मल्टीपल एनर्जी लेवल जो होते हैं हमारे वो एनर्जी बैंड्स बना लेते हैं। मल्टीपल एनर्जी लेवल्स फॉर्म्स एनर्जी बैंड। खूब सारे एनर्जी लेवल मिलके एनर्जी बैंड
बना लेते हैं, ठीक है। अब एनर्जी बैंड हमारे दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली एनर्जी बैंड हमारे दो प्रकार के होते हैं, वैलेंस बैंड और दूसरा बैंड होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वो एटम के साथ जुड़े रहते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे वो वैलेंस बैंड से निकल करके आते हैं और वो फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं उनको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये एनी वेयर विद इन दी वॉल्यूम फ्लो कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं वो फ्लो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन संतृप्त है हमारा, और कंडक्शन नाम से ही पता चल रहा है हमारा कि वो मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। पूछ लेना किसी को कुछ पूछना है तो, घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। दो तरह के बैंड होते हैं हमारे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहां पर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वो मूव कर देता है, ठीक है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन से भरा होता है और इसकी दिस इज बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आर नॉट केपेबल ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाईएस्ट एनर्जी लेवल वेयर कैन बी ऑक्यूपाइड बैंड एट 0K इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ये छोड़ देते हैं हम, ये बस ये देखो, एक मिनट फिर से पेस्ट करने दो, हो तो गए। तो ये जो एनर्जी बैंड होते हैं हमारे हमेशा इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। क्या है, कई सारे एनर्जी लेवल मिलके बैंड बनाते हैं, इनको हम मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाई है तो इन इलेक्ट्रॉन को वो टच नहीं करेगी और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा। अब तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से हटा दो, तो पहले तो उन्हें एनर्जी दो और वो बैलेंस बैंड से उन्हें कंडक्शन बैंड में लाओ, उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन बनाओ और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो शुरुआती एनर्जी लेवल होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हमारा वैलेंस बैंड बनता है, जो शुरुआती एनर्जी लेवल होते हैं उससे हमारा वैलेंस बैंड बनता है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं वैलेंस बैंड की डेफिनेशन, देख लो। एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम तरीका रिप्रेजेंटेशन का लगाते हैं, अभी हम जो आगे बनाएंगे वो एक रिप्रेजेंटेशन तरीका है, वो असली में नहीं होता ऐसा, ठीक है। पहले हम कंडक्शन बैंड और लिख लें, जो जिन जिन इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी में चले जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं, हाइयर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उनको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री टू मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव। द हाइयर एनर्जी लेवल बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ खास बातें हैं, ये खाली बैंड भी, एम्प्टी बैंड भी, मिनिमम एनर्जी का बैंड है, खाली बैंड भी कहते हैं इसको, और इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक एक करके देखते हैं, एनर्जी बैंड में फिर बताता हूं बच्चा लोग, एनर्जी बैंड कुछ भी अलग से नहीं है, एनर्जी बैंड एनर्जी लेवल्स ही हैं, परंतु ज्यादा एनर्जी लेवल है, जो हमने अभी बोर में पढ़े थे उसे उसी से, बस ज्यादा एनर्जी वाले को हम एनर्जी, मतलब नंबर ऑफ एनर्जी बैंड थोड़े से ज्यादा है तो उसको हम एनर्जी बैंड कहने लगते हैं। तो इनको हम एम्प्टी या खाली बैंड भी कहते हैं,
दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन से भरा होता है. इट इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेगा तो वो मूव कर जाएगा. देखो एक तो खुद के प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एटम के भीतर की, वो तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ के रखना चाहेगी, लेकिन बाहर से जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होगी वो इलेक्ट्रॉन को चलाना चाहेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं. तो यहाँ पर जो खास बात है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर एबल टू मूव एनी वेयर विद इन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये और नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड, इनके कारण कोई करंट फ्लो नहीं होती. जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के कारण हमारी करंट फ्लो होती है, और करंट फ्लो हमारी नहीं होती. ध्यान रख लीजिएगा, कंडक्शन बैंड के कारण हमारी करंट फ्लो होती है और इनके कारण करंट फ्लो, और किसी के कारण करंट की फ्लो नहीं होती है. अब जरा हम तीनों के प्रॉपर्टीज की एक लिस्ट है हमारे पास, एक मिनट, ये एनर्जी बैंड हम बना लेते हैं और इसमें एनर्जी गैप किसे कहते हैं वो भी बना लेते हैं. एनर्जी बैंड, एक एनर्जी बैंड से दूसरे एनर्जी बैंड के बीच का जो गैप है उसको हम लोग एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं. ये हो गया हमारा एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड की एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होती है, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो होती है वो अधिक होती है, मतलब अधिक से मतलब जीरो के उसमें चली जाती है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में कम होती है. वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड ही घूम रहा होता है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन यदि है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है ये बेचारा अपने ही ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता रहेगा, और जबकि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है और वो निकल लेता है. अगर मान लो इसको भी भागना है तो ये पहले कहां जाएगा, इस कंडक्शन बैंड में जाएगा. अब क्या है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा है, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है, तो इनके बीच में एक एनर्जी का गैप आ जाता है डेल्टा ई जी. वो एनर्जी का गैप हमारा क्या कहलाता है, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड की एनर्जी में से वैलेंस बैंड की एनर्जी को घटा देते हैं तो हमारे एनर्जी का गैप आ जाता है. अब इलेक्ट्रॉन की भी अपनी औकात है जंप करने की, ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एनर्जी गैप यदि बहुत ज्यादा कर देगा तो ये जंप नहीं कर पाएगा. तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है इंसुलेटर्स में. इंसुलेटर में एनर्जी गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाता. किसमें, इंसुलेटर्स में जो एनर्जी का गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में वो इतना ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस से कंडक्शन में जा ही नहीं पाता, और जा ही नहीं पाता तो वो करंट का फ्लो कराने लायक बन ही नहीं पाता. हाँ वैभव बोलो बेटा. सर कंडक्शन बैंड से सर वैलेंस बैंड में जा सकते हैं, कंडक्ट ऊपर से नीचे तो कभी भी जा सकते हैं एनर्जी लूज करके, ये तो हमने पढ़ा ही है पिछला चैप्टर, तो यही नहीं पढ़ा हमने एटम का, तो ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल में आते हैं और वो निकल जाता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो तो हो ही सकता है. जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं करंट के फ्लो की, अब जो हमारा टॉपिक आ गया है ना उसमें हम करंट के फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है. हमारा जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर जो मटेरियल, वो इतना इंटरेस्टिंग पता क्यों है, क्योंकि जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो एक्सपेंडेबल होता है. एक्सपेंडेबल का मेरा मतलब है जब हम चाहें तो उसको हम अच्छा कंडक्टर बना सकते हैं, और जब हम चाहें तो उसको एक बुरा कंडक्टर बना सकते हैं. जब हम चाहें मतलब कुछ चेंजेस करके हम करंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसमें कर सकते हैं. तो सेमीकंडक्टर, तो सबसे पहली बात तो सेमीकंडक्टर के में जो एनर्जी गैप होता है वो इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नहीं पहुंच पाता, जबकि उसे हम पहुंचा सकते हैं. समझ रहे हैं ना, अभी मैं कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों में आपको डिफरेंस बताता हूं. ये वाली बात समझ में आ गई, कंडक्शन और वैलेंस बैंड समझ में आ गया सभी बच्चों को, और एनर्जी गैप बोलो क्यों बच्चे लोग सभी को सर.
हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गैप में नहीं होते, या तो वैलेंस बैंड में होंगे या कंडक्शन बैंड में होंगे। टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे या फिर बाहर से एनर्जी दोगे तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करने लगता है, तो एनर्जी गैप हमारा कम हो जाता है। और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल एनर्जी गैप के लिए ना तुम्हारा मटेरियल होता है, समझ रहे हो ना, मटेरियल कंडक्टर है कि सेमी कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि फलाना है कि ठिकाना है क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की एक बढ़िया सी वो है हमारे पास टेबल, उस टेबल को हम लिख लेते हैं, देखते हैं ये टेबल में हमें क्या जानकारी मिलती है। कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, मैं आपको फिर बता दूं, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, एक मिनट। कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, एक मिनट, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लें। इसको हम बना लेंगे इसी में, ये उसमें आ नहीं रहा सही से, चलो इसमें हम बना लेंगे। एक एक करके बात करते हैं कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की। हमारे लिए सबसे जो अच्छी चीजें हैं वो है इन सेमीकंडक्टर। एक एक करके बात करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे अधिक होती है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी, समझ रहे हो ना, कंडक्टिविटी जो होता है 1/रेजिस्टिविटी, स्मॉल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1/ρ, और रेजिस्टिविटी होता है रो। फिर बैंड स्ट्रक्चर की बात, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर सबसे अधिक दिख रही होगी, ठीक है, फिर उसके सबसे कम आपको इंसुलेटर की दिख रही होगी, फिर उसके बाद मिडिल में दिख रही होगी आपको सेमीकंडक्टर की, 10^2 से 10^8 कंडक्टर की, 10^-8 इंसुलेटर की, और 10^-5 से 0 हमारी सेमीकंडक्टर की। ये रूम टेम्परेचर की कहानी है, क्योंकि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर भी बदलती है। फिर रेजिस्टिविटी इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, ये तो हमें पता ही था, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। खैर, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी देख रहे हो इंसुलेटर की होती है। हाँ वैभव सर, ये ओम उल्टा है तो सर, हाँ वो गलत लिखा है, वो गलत लिखा है, गलत लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, एक मिनट, वो गलत नहीं लिखा, वो सर मतलब, वो मो, हाँ, मो होता है, मो होता है, ओम इनवर्स होता है, मो होता है, ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मो। यस सर, क्या कह रहे हो बेटा, बोलो बोलो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सिंबल सी है, हाँ स्मॉल सी, हाँ एक मिनट मुझे कट, एक मिनट मुझे इसको दोबारा चालू करता हूँ मैं, एक सेकंड के लिए जाएगा ये, बस एक मिनट में आ जाएगा। ओके आ गया, दिखाई दे रहा है, यस सर मो,
ठीक है, ये ओम होता है हमारा। अब आते हैं हम बैंड स्ट्रक्चर पे। हाँ, कोई कुछ और कह रहा था? चलो ठीक है। अब बैंड स्ट्रक्चर जो कंडक्टर्स का होता है, ये बना लिया हमने कौन सा, कंडक्शन बैंड। और जो इसका वैलेंस बैंड रहता है ना, वो आपस में ओवरलैप करता है, पता है? जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होता है वो आपस में ओवरलैप करता है। जो इसमें होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, वो काफी दूर दूर होते हैं। और इसमें उतने दूर नहीं होते, सेमीकंडक्टर में उतने दूर नहीं रहते, होते तो हैं दूर, ऐसा नहीं है कि मिले भी। सबसे बढ़िया होते हैं ये कंडक्टर्स में, ओवरलैप करते हैं। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, तो एनर्जी गैप होता ही नहीं है, ठीक है? मतलब एनर्जी गैप यहाँ पर जीरो ही रहता है, एनर्जी गैप होता ही नहीं है आप, ठीक? वेरी जीरो और वेरी स्मॉल नीचे लिखा है ना, एनर्जी गैप वेरी स्मॉल। इसमें जो एनर्जी गैप होता है वेरी लार्ज एनर्जी गैप होता है, यहां पर ईजी, और यहां पर जो एनर्जी गैप है वो काफी छोटा होता है, मतलब इससे छोटा होता है, इंसुलेटर से छोटा होता है। बात समझ में आ गई क्या? वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, लेकिन कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हैं। वो कहेंगे अब तो बाहर से जो भी इलेक्ट्रिक करंट आएगी, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसमें हम नाचते गाते निकल लेंगे, यानी कि फ्लो कर लेंगे, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो, मतलब हम कहते हैं जिसको चार्ज कैरियर, वो हमारे कंडक्शन बैंड में ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फिर अब ये जो एनर्जी गैप आपको दिया हुआ है यहाँ पर, हर एक मटेरियल का अलग अलग एनर्जी गैप लिखा है मैंने। सिलिकन का अलग है, गैलियम आर्सेनाइड है ये, और गैलियम F2 ये पता नहीं क्या है। तो अलग अलग एनर्जी गैप है। तो जो हमारे लिए अच्छा आइटम है वो जर्मेनियम है, पर हम सिलिकन जर्मेनियम दोनों ही उपयोग में लाते हैं, ठीक है? ठीक है, अभी फ्री होल्स नाम की भी एक चीज होती है, बताएंगे। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कंडक्शन बैंड में, चार्ज कैरी नहीं होता है। तो इसमें ये इंसुलेटर है दूसरा वाला, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, होल्स मतलब खाली जगह, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसको हम लोग होल्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनको हम होल कहते हैं, उस जगह को होल कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही चार्ज कैरियर की तरह यहाँ पर काम करते हैं। ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं आप लोगों के लिए इसका कलर ये कर दें और बोल्ड कर दें, ठीक है? तो ये चल रहा था हमारा वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडीशन ऑफ वैलेंस बैंड, ओवरलैप होते हैं हमारे, ये दूर दूर रहते हैं, और कंडक्शन बैंड थोड़ा बहुत फिल होता है इसमें। हाँ बेटा बोलो। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या कंडक्शन बैंड में कहाँ होते फ्री इलेक्ट्रॉन? मतलब इंसुलेटर में, इंसुलेटर बीच वाला है इसमें। हाँ सर। हाँ तो इंसुलेटर में कहाँ होता है, नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं सर। अरे इंसुलेटर जो है हमारा, उसमें क्या लिखा है, ये टेम्परेचर कंडीशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑर्डिनरीली, ये देखिएगा हम इसकी बात कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर। जो इंसुलेटर है उसमें वैलेंस बैंड पूरा भरा रहता है, ठीक? हाँ, लेकिन कंडक्शन बैंड पूरा खाली रहता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, मतलब कौन से बैंड वाले इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वैलेंस का कि कंडक्शन का? कंडक्शन का। हाँ तो वैलेंस वाले से फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। अब तुम कहो इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या, इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, समझ गए? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा,
एक फॉर्मूला होता है हमारा, R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा टी या फिर डेल्टा थीटा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा एक फॉर्मूला होता है। ये अल्फा जो है हमारा टेम्परेचर कोफिशियंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस किस प्रकार बढ़ता है। ठीक, तो यहां तो रेजिस्टेंस में टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। कंडक्टिविटी डिक्रीज यानी कि वो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। समझ रहे हो, पॉजिटिव अल्फा की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो बात हो रही है ना यहाँ पर, ये अल्फा की बात हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक फॉर्मूला है टेम्परेचर कोफिशियंट वाला रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस किस प्रकार से बदलेगा वो इस फॉर्मूले के हिसाब से सेट होता है। आप लोगों ने क्लास 11th में थर्मोमीट्री नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, उस थर्मोमीट्री वाले चैप्टर में एक तरह का थर्मोमीटर है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, मतलब उस थर्मामीटर में हम रेजिस्टेंस को चेक करके बताते हैं कि टेम्परेचर कितना हो गया, तो ये वो है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इससे पता चलता है हमें अल्फा पॉजिटिव होने का, यानी कि अगर डेल्टा टी बढ़ेगा तो R भी बढ़ जाएगा, और उसी के हिसाब से R नॉट मतलब शुरुआती वाला होता है उस, और लेकिन यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हो जाता है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पर R बराबर R नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। अब इसका सीधा सीधा मतलब है आपका टेम्परेचर घटेगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, उल्टा हो जाता है कंडक्टर और इंसुलेटर में, उल्टा होता है टेम्परेचर का चेंज। क्लियर है? बोलो सर, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी क्या बढ़ जाएगी सर? किसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंसुलेटर की लास्ट में जो है सेमी कंडक्टर है बाबा, लास्ट में, अभी तक लास्ट ही कर रहे हो, ऊपर सब बड़ा साफ साफ लिखा है सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, यस सर। और एग्जांपल की तो कोई बात ही नहीं है, एग्जांपल तो तुम्हें जानते ही हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग कहते हैं स्मॉल एन, मतलब रूम टेम्परेचर पर कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कितने हमारे में फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ये उससे पता चल जाता है। बता भाई साहब, कोई समस्या है तो? क्लियर है कि नहीं है, बोलो। हाँ सर, क्लियर। समझ में आ रहा है ना सभी को जो सामने लिखा है, सारे के सारे जो हमने वो लिखे हैं, प्रॉपर्टीज जो लिखी है सारी, ये एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर वाली चीजें देख लो, ये बढ़िया है, जरूरी है। और अच्छा, एक चीज आप लोगों को नई सी दिखी होगी यहाँ पर, होल। सेमीकंडक्टर में होल्स क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर में जो होल होते हैं वो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल कहते हैं। सेमीकंडक्टर में वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है उसको हम होल कहते हैं। इस पे ज्यादा चर्चा करने की तो जरूरत ही नहीं है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन होल कहते हैं। अरे यार, फिर से बंद हो गया अपने आप, रुक जाओ खोलता हूं मैं। एक मिनट, वैकेंसी ऑफ, अरे यार मैं वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, होल्स। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को होल कहते हैं, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज कॉल्ड होल्स. ठीक है, होल्स क्या करते हैं, दे अलाउ या अट्रैक्ट या इनकरेज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, दस वी कंसीडर, दस वी कंसीडर होल एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर. इनको हम पॉजिटिव आवेश वाहक की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं. पॉजिटिव के सी ए डबल आर आई ई आर होता है ना, आई आर कैरियर. तो इनको हम पॉजिटिव चार्ज की तरह, पॉजिटिव आवेश वाहकों की तरह करते हैं. जैसे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप करता है, तो ऐसा होता है कई बार कि कुछ जगह इलेक्ट्रॉन के जंप करने वाली जगह जो होती है वो खाली रह जाती है. तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो फिर हमें ऐसे लगता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर चला गया. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. इधर देखिएगा मेरी तरफ, जैसे मेरे पास ये मेरे जो दोनों हाथ हैं उसमें क्या है मेरे पास अभी रखने के लिए, ये पेन ही है. चलो मेरे पास एक जो पेन है ये इलेक्ट्रॉन की तरह है और ये खाली जगह है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये पेन है जो है मेरे इलेक्ट्रॉन समझ लो, ये खाली जगह है. खाली जगह मतलब पॉजिटिव चार्ज. तो एक्चुअली मैं क्या इस पॉजिटिव को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कूद गया. अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कूद गया तो हमें क्या लगेगा कि ये खाली जगह इधर से इधर आ गई, और खाली जगह जो पॉजिटिव थी, और अब पॉजिटिव होल को एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करने लगते हैं हम लोग. होल्स को पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करने लगते हैं. तो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होल्स होती हैं, पर होल्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं होते. जैसे कि हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल के पास, और दूसरे मटेरियल के पास 100 होल्स हैं. तो हमारे लिए जो ज्यादा अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होगा वो 100 इलेक्ट्रॉन वाला होगा, ना कि 100 होल वाला. ऑल्दो होल्स पर भी चार्ज वही होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, कमी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल कहते हैं. जो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम होल कहते हैं. तो एक्चुअली में होल जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन पर. तो जबकि इलेक्ट्रॉन तो खुद ही है चार्ज कैरियर. चार्ज कैरियर बोले तो आवेश वाहक. तो खाली जगह को हम होल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे अच्छे होते हैं. जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है होल्स के कंपैरिजन में. सेम नंबर ऑफ होल और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रेफर करते हैं. ठीक है, अब आते हैं हमारे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर मिलता है ना वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है. जो सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में हमें मिलता है उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं. प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. ये जो सेमीकंडक्टर होता है हमारा प्योर फॉर्म में रहता है. अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और फिर आते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे फिर से दो तरीके के होते हैं. एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर.
एक्सट्रिंसिक्स सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमी, ये इसमें हम इम्प्योर होता है एक्चुअली में, इसमें हम क्या करते हैं कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं और वो अशुद्धियां जो होती हैं वो हमारी इसको दो तरह का सेमीकंडक्टर बनाती हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अशुद्धियां मिलाने के बाद हमारा जो कंडक्टर है वो दो तरीके का हो जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट हैज थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स, ठीक है, जबकि करंट कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात हो रही है यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की। जबकि इम्प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उससे हमारे दो तरह का सेमीकंडक्टर बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के आउटर शेल में हमारे चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बोथ आर चार्ज कैरियर होते हैं उनमें, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसमें होल रहते हैं। दे हैव फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन फॉर देम फर्मी लेवल, ये सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है जितनी होल की होती है उतनी हमारे इलेक्ट्रॉन की होती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो होल की डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वही हमारे उसकी होती है, ठीक है। तो ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ और एक खास बातें कर लेते हैं इनकी, जैसे इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड NH, NH का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और NE, NE का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, NH का होता है डेंसिटी ऑफ होल, फ्री इलेक्ट्रॉन बोथ होल एंड आर कैरियर, चार्ज कैरियर होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही हमारे होल होते हैं, मतलब ये दोनों में ही बराबर होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए और एक खास बात है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उनकी बराबर होती है। अच्छा ये तो हमने लिख ही लिया ना, होल डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर भी कहलाती है ये होल डेंसिटी, चलो ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मिक्सड करते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज, कुछ एक स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, स्पेसिफिक मिलाना जरूरी है। तो स्पेसिफिक इंप्योरिटीज दो प्रकार की मिलाते हैं, कैसी मिलाते हैं हम, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। मतलब अगर आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और उसमें आप इंप्योरिटी मिला देते हो तो वो बन जाता है हमारा एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिएगा यदि आप इसमें देख रहे होंगे तो आप जब इसमें इम्प्योरिटी मिला देते हो तो वो बन जाता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने इम्प्योरिटी मिला देनी है तो वो बन जाएगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटीज हमारी दो प्रकार की होती हैं बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, इम्प्योरिटीज हमारी दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं। इधर लिख लेते हैं हम,
दो प्रकार की हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं, कौन कौन सी? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। एक मिनट, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन सी इम्प्योरिटीज? पेंटावेलेंट होती हैं, जिनकी वैलेंसी 5 होती है, जैसे कि फॉस्फोरस। सिलिकॉन की तो 4 होती है, सिलिकॉन तो प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन की 4 होती है। आर्सेनिक की होती है और एंटीमनी की होती है। एंटीमनी का सिंबल क्या है? एंटीमनी का सिंबल Sb, An नहीं होता, Sb काय का होता है? Sn होता है। Sn, तो Sb काय का होता? Sb काय का होता? ये भी पेंटावेलेंट है, ठीक है? Sb देख लेना, मेरे हिसाब से तो एंटीमनी होता है। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज कौन सी होती है? अच्छा बताइयो, ट्राईवेलेंट। हाँ, अल्यूमिनियम सही है, गैलियम, अल्यूमिनियम, जर्मेनियम। हाँ, जर्मेनियम 4 वैलेंसी है बेटा, जर्मेनियम की 4 वैलेंसी है। गैलियम होता है गैलियम, जी ए गैलियम, जी ई जर्मेनियम जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। नहीं समझ में आ रहा? जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर सेमीकंडक्टर है, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, इंडियम। हाँ सही कह रहे हो, इंडियम भी होता है शायद, थोरियम भी होता है। क्या होता है? थोरियम, थैलियम होता होगा यार, अब ये नहीं पता मुझे। चलो ठीक है, इतने बहुत हैं यार। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गए हमारे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गए। इंट्रिंसिक में प्योर फॉर्म में होते हैं और एक्सट्रिंसिक में इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। तो जब हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं। अब वो किस तरह से, इम्प्योरिटी मिलाने पे क्या फर्क पड़ता है? तो तुम अगर इम्प्योरिटी मिलाते हो उसमें पेंटावेलेंट की, समझना, अगर तुम पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी मिलाते हो, जैसे कि हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम में प्योर फॉर्म में उनकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है, प्योर फॉर्म में उनकी वैलेंसी 4 होती है, तो उसके पास 4 लेने देने के लिए 4 होते हैं आउटर शेल में, तो वो 4 लेता है, 4 देता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमने क्या किया, जर्मेनियम वाले उस सैंपल में हमने आर्सेनिक मिला दिया। आर्सेनिक की जो हमारी इम्प्योरिटी है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। हम फॉस्फोरस भी मिला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉस्फोरस भी मिला सकते हैं। तो देखना बहुत ध्यान से, हमने, हमारे पास 4 वो थे, 4 वो थे, तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया कि इसमें जर्मेनियम के जो ऐसे सिस्टम बनता है, स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता है ना उनके, वो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कुछ। अब ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाते उसके, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से हट गया। तो ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, आर्सेनिक के एक ने इसके साथ बना लिया, इसके साथ बना लिया और बना लिया। तो इसके आर्सेनिक के आउटर में 8 हो गया, संतृप्त हो गया, यानी कि ये वैलेंस हो गया, लेकिन फिर भी एक उसके पास इलेक्ट्रॉन बन गया। इस इलेक्ट्रॉन को हम डोनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बन गया, इस इलेक्ट्रॉन को हम डोनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक आर्सेनिक से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तुमने अगर बहुत सारे आर्सेनिक के एटम मिला दिए तो बहुत सारा हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बात ध्यान रखना है, इसमें होल्स भी रहते हैं। मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, होल भी होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे एन टाइप, ये बन जाता है हमारा पेंटावेलेंट मिलाने पर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें ज्यादा मात्रा में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको हम कहते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। भूलोगे तो नहीं? बताओ, भूलोगे तो नहीं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, कौन से सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे? कौन से कंडक्टर को ना बोल तो क्या एन टाइप में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, होल्स नहीं होते ना एन में तो। वाय, होल्स बिल्कुल नहीं होते, ऐसा किसने कहा?
अरे होल्स तो पी टाइप में होते हैं ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेजोरिटी में। भारत में मेजोरिटी में कौन से धर्म रहता है? भारत में, हाँ तो क्या भारत में और कोई धर्म ही नहीं रहता? रहता है। जैसे फॉर ज्यूज, भारत में ज्यूज बिल्कुल नहीं रहते क्या? बताओ। रहते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर मेजोरिटी होती है, इसका यहाँ पर सही शब्द है मेजोरिटी, इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होती है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी, हियर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी। इसका ये मतलब नहीं होता कि होल्स होते ही नहीं है, समझ गई क्या? हाँ ठीक है। अब पेंटावेलेंट की बात हो गई हमारी, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, पेंटावेलेंट मिलाया तुमने, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अलावा पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लेते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें ट्राइवेलेंट मिलानी होती है। ट्राइवेलेंट जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन, ये सब। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। हाँ सिलिकॉन का पूरा वो स्ट्रक्चर ले, या जर्मेनियम का ले लो, किसी का भी स्ट्रक्चर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने जो अशुद्धि मिलाई है, ये तो आर्सेनिक का ही हो गया, ये तो गड़बड़ है ना, ये एल्यूमिनियम है अंदर, वो लिखा गलत है वो। ये एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम। इसको देखते हैं, एल्यूमिनियम युक्त होता है ट्राइवेलेंट वाला। तो जर्मेनियम में जब भी हम एल्यूमिनियम वाला मिला देते हैं, तो यहां पर देखना ये जो जिससे मिलना था, ये वाले ने इससे वैलेंस बना लिया, ये इधर वैलेंस बन गया, वैलेंस हो गया इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो गया, ई खाली जगह रह गई, क्योंकि तीन ही वैलेंसी होती है, तो तीन आजू बाजू वालों से मिल गए, लेकिन इसके पास इधर एक खाली जगह बच गई, और इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर होल, और यही हमारा खाली जगह रह गया, इसको होल कह लेते हैं हम, ये हमारा एक्स्ट्रा होल है। तो यहाँ पर एक्सेस में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होल्स होते हैं, हियर होल्स आर इन एक्सेस, होल्स आर इन मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब ये नहीं होता कि केवल होल रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया क्या? यस सर। भूल तो नहीं जाओगे? यस सर। ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, अब इसके ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट मिलाने के बाद जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर कंडक्शन और वैलेंस बैंड का जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम था ना कंडक्शन और वैलेंस बैंड का, वो तनिक सा बदल जाता है। देखिएगा, जब हम एन टाइप मिलाते हैं तो बीच में ये जो हमारे एक्स्ट्रा थे ना, इन्होंने एक वो बना लिया गैप, एक वो बना दी लेयर। देखो एनर्जी गैप को कम कर दिया इन्होंने, एक लेवल बना दिया डोनर लेवल, और उससे एनर्जी गैप कम हो गया। जबकि पी टाइप में जो एनर्जी गैप होता है हमारा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो कम होता है वो एक्सेप्टर वाला कम होता है। मैं भी समझाता हूँ ये डोनर और एक्सेप्टर का क्या चक्कर है। यहाँ पर एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनर, और एक्सेप्टर होते हैं होल्स। तो जो एनर्जी गैप है वो दोनों में ही कम होता है, एनर्जी बैंड हमारा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी बैंड है हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे एनर्जी बैंड हैं, देखिएगा ये किसके नजदीक रहता है, कंडक्शन बैंड के नजदीक रहता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा, तो ये डोनर लेवल कहलाता है।
और यहाँ पर एक एक्सेप्टर लेवल इंट्रोड्यूस हो जाता है दोनों ही केसेस में। अब इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है तो डायरेक्ट उसे वैलेंस से कंडक्शन में जंप नहीं करना होता है। अब वो क्या कर सकता है, वो पहले इधर से डोनर लेवल पे जा सकता है और डोनर से कंडक्शन लेवल पे जा सकता है, मतलब दो रास्ते हो गए, इसको सीढ़ी बन गई। ऐसे यहाँ होता है, यहाँ पर इधर से इधर जाता है और इधर से इधर चला जाता है, उसको डायरेक्ट ऐसे जाने की जरूरत नहीं होती है। आया कुछ को समझ में? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो आसान हो जाता है थोड़ा सा, और इस वजह से वो अच्छा चार्ज कैरियर माना जाता है। जो होल्स होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं, और जो हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। खाली जगह वैलेंस बैंड में रहती है और भरे हुए बैंड जो कंडक्शन बैंड है उसमें हमारी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक्स्ट्रा में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या भाई साहब, बताएं बताएं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल नहीं रहा यार तुम लोग। सर फिर से समझा दीजिए। क्या फिर से समझा दे, बोलो। ये जो कंडक्शन बैंड है, देखो इलेक्ट्रॉन वाले केस में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर प्रेजेंट है, डोनर समझते हो, देने वाला इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है एक्चुअली में, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा है एक्सेप्टर होल्स लेने वाला, तो जो डोनर है वो डोनर के पास, डोनर है जो इलेक्ट्रॉन वो अपनी बिरादरी यानी कि कंडक्शन बैंड के पास चला जाएगा, डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं वो किधर होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। मूव करने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, और जो होल्स होते हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है दोनों ही केसेस में, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों में ही एनर्जी गैप कम हो जाता है क्योंकि बीच में एक नया लेवल घुसा दिया जाता है। वो लेवल जो होता है एन टाइप में, वो लेवल डोनर लेवल होता है, और वो लेवल पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल होता है, यानी कि डोनर लेवल कंडक्शन के नजदीक होता है और एक्सेप्टर लेवल वैलेंस के नजदीक होता है। ये है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा डोनर लेवल। हाँ बोलो सर, बोलो। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप दोनों एक्सट्रिंसिक ही है। हाँ सर, वो इंट्रिंसिक से ज्यादा अच्छे हो जाओगे। किससे, फिर से बोलो क्या कह रही हो, बोलो बोलो। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही किसी की? सर ये कह रहे जो सर जो मतलब सेकंड वाले हैं सर तो ज्यादा अच्छे होते होंगे। हाँ ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है, क्योंकि उनमें एक हाँ एक्स्ट्रा आ गए, कुछ नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल जो है वो बढ़ गए। इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बेटर होते हैं, ठीक है। अब आपको एक आम सवाल है, ये पूछा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा चार्ज होता है, नेट चार्ज क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप में नेट चार्ज क्या होता है? एन में नेगेटिव होगा और पी टाइप में पॉजिटिव। तुम लोगों को मैंने एक क्लास में चार्ज वाला नहीं पढ़ाया है क्या? सर पी में होल्स होते हैं ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पहले पॉजिटिव होते हैं। हाँ तुम तो मुझे आंसर दो, क्या मैंने तुम्हें क्लास में ये चैप्टर नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ाया है। तो मैं स्पेसिफिकली ये सवाल बताता हूँ हर क्लास में, हमेशा बताता हूँ कि भाई साहब बच्चों को आमतौर पे ऐसे लगने लगता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। अरे भाई साहब वो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो प्रोटॉन से ज्यादा थोड़ी हो गए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा से ही है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है भी तो वो हमारे स्ट्रक्चर के भीतर ही, ऐसा तो है नहीं है कि वो मटेरियल छोड़ के निकल गया।
जो गैलियम आर्सेनाइड आपने यहाँ पर, सॉरी जर्मेनियम आर्सेनाइड जो यहाँ पर बनाया है, GES जो आपने बनाया है यहाँ पर जर्मेनियम आर्सेनाइड, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन, हर बार एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया हर एक आर्सेनिक एटम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन है तो अभी उसी सिस्टम में ही ना, अंदर मटेरियल के भीतर ही ना, जो हमारा डोपिंग करने के, इसको इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग, डोपिंग करने के बाद जो बना है उसमें ही तो अंदर है इलेक्ट्रॉन की, बाहर भग गया, बताओ इलेक्ट्रॉन अंदर है कि बाहर भग गया? अंदर ही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर ही होंगे कि कम गया बढ़ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर गया है, मटेरियल से बाहर नहीं गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है, ये अल्टीमेटली सर। हाँ तो सर, मतलब ओवरऑल मटेरियल, ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल। ओवरऑल क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज, जो मटेरियल है वो न्यूट्रल हो गया ना? हाँ मटेरियल ही तो न्यूट्रल हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मटेरियल कैसा होता है, जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव रहेगा, नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ। मैंने अच्छा। सवाल पूछा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए न्यूट्रल। और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि इनमें दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, यानी नेट चार्ज जीरो होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे तो, लेकिन सर होल्स पे भी न्यूट्रल होता है ना? नहीं, होल्स प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज होता है वो एक होल पे, और एक इलेक्ट्रॉन पे −1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक होल में। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है सर। क्या ठीक है, तो मैं ऐसे हल्का फुल्का ठीक है कैसे चल रहा है, पूछो ना कुछ और भी है तो पूछो। होल्स प्रोटॉन थोड़ी ना? नहीं, होल्स प्रोटॉन नहीं है, सही बात है, लेकिन प्रोटॉन है कहाँ? प्रोटॉन किधर होंगे मटेरियल में? अगर प्रोटॉन है तो वो किधर होंगे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में होंगे। और ये जो एनर्जी बैंड हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ होते हैं? सही, एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। हाँ, तो हम जो भी अभी तक पढ़ रहे हैं उसमें सब कुछ हमने जो भी अभी तक पढ़ा है एनर्जी बैंड से लेके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, वो न्यूक्लियस के बाहर ही हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर पहले थे और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर थे वो तो उतने ही के उतने रहेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में चला जाए चाहे कंडक्शन से वैलेंस में चला जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, तो सर पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होते हैं? दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, पी टाइप भी न्यूट्रल होते हैं और एन टाइप भी न्यूट्रल होते हैं। एन टाइप भी होते हैं। लेकिन सर होल पे चार्ज तो न्यूट्रल होता ना? लेकिन होल के ऊपर चार्ज नहीं, +1.6 × 10⁻¹⁹। एक होल खाली जगह होती है, इट इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। बोलो बोलो। ठीक है सर। हाँ सर, वो खाली जगह है, वो थोड़ी ना कोई प्रोटॉन है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल तुम्हारी बात में एकदम दम है, लेकिन उस खाली जगह को देख करके कौन चला जाएगा? कौन चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही चला जाएगा। चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा तो वो खाली जगह भर जाएगी, तो वहां पर खाली जगह पर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर बना हुआ है। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि उस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर है, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके आया है। तो छोड़ करके आया तो उधर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं हो गई? जिस जगह से इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन की कमी को ही तो हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, कमी ही तो पॉजिटिव चार्ज है।
अगर किसी बॉडी, वैसे चलो अगर ओवरऑल बॉडी की बात करें, तो किसी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या तुम उसको प्रोटॉन देते हो? बताओ क्या करते हो? पॉजिटिव चार्ज निकाल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को ही तो पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी ये बात सही रहती है, समझे क्या? नहीं समझे? चलो इस डायग्राम को देखो, इससे इसको देख लो, जो फ्लो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हमारे जो वैलेंस बैंड था उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, दिख रहा है ना सब? वैलेंस बैंड था उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस बैंड में, जंप करा दिया हमने एनर्जी गैप को पार करके, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, तो वो जगह इनकी क्या हो गई? वो इनकी जो जगह है वो क्या हो गई? खाली जगह हो गई। और नाउ दिस एम्प्टी स्पेस विल बी ट्रीटेड एज, दिस एम्प्टी स्पेस विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो जो हमारे होल्स होते हैं वो अपने वैलेंस बैंड में ही मोशन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए कंडक्शन बैंड में जाना होता है, और होल्स हमारे वो जगह होती है जब इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है तो बची हुई जगह, और वो बची हुई जगह को देख करके आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते हैं। मतलब एक्चुअली में ये पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर गया, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जंप कर गया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जंप कर गया। सही है, बोलो। यस सर, यस सर। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात समझ में आ गई है, अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारा क्या था? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड ऑफ वैलेंस एंड ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, किस तरीके से ये हमारे जो हैं मोशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोशन ऑफ होल हो गया, कैसे एक्चुअली में मूव करते हैं ये हमें समझ में आ गया। तो अब क्या है, यहाँ पर स्टोरी हमारी खत्म नहीं होती है, हमारे पास अब जो शुरुआत होती है वो होती है पीएन जंक्शन डायोड से। हमने अब पी और एन को अलग अलग पढ़ लिया, अब हम पी और एन को मिलाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है पीएन जंक्शन डायोड से। पीएन जंक्शन डायोड, मस्त पीएन जंक्शन उठाते हैं अपन ऑनलाइन, पीएन जंक्शन पीएनजी।
बस ठीक है, हो गया, इतने में अपना काम हो जाएगा। देखो भैया, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ हम मिला देते हैं, आजू बाजू में जोड़ देते हैं, तो वो बनता है हमारा पी एन जंक्शन डायोड। इसको कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। और इस पी एन जंक्शन डायोड में ये जो है ये हमारा होता है सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। क्लियर है? ये जो हमारा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है। ओके, देखिएगा पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल मैं बना लेता हूं, ऐसे 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 ऐसे। ओके गुड, तो पी एन जंक्शन डायोड, इस पी एन जंक्शन, इसमें पी होता है, ये जो एरो वाला पार्ट पी होता है, ये वाला एन होता है, ये पी एन जंक्शन डायोड का एक सिंबल है असल में। ऐसे अब पीएन जंक्शन डायोड यदि तुम बनाते हो तो उसके लिए तुम क्या कराते हो, बॉम्बार्डिंग कराते हो। कैसे कराते हो बॉम्बार्डिंग? कि एक तुम्हारे पास एक मान लो सिलिकन की प्लेट है, उस सिलिकन की प्लेट में तुम लोग क्या करते हो, मान लिया तुम्हारे पास एक सिलिकन की प्लेट है, तो तुम सिलिकन की प्लेट में क्या करते हो, एक तरफ पेंटावेलेंट अशुद्धियां मिलाते हो और एक तरफ ट्राइवेलेंट अशुद्धियां मिलाते हो, और इस तरीके से पेंटावेलेंट अशुद्धियां और ट्राइवेलेंट अशुद्धियां मिला करके आपका एक तरफ एन टाइप बन जाता है और एक तरफ पी टाइप बन जाता है। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो मिल जाते हैं तो उससे पी एन जंक्शन डायोड बन जाता है। अब ये प्रोसेस सिंपल है, इसको हम इधर देखते हैं। जैसे ही तुमने पी और जंक्शन बना लिए, पी और एन जंक्शन तुमने बना लिए, तो होता क्या है, होता क्या है, होल डिफ्यूज, पी टाइप से जो होल है वो किधर जाने लगते हैं, एन टाइप में, और डिफ्यूज होने लगते हैं, और एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाने लगते हैं पी टाइप में और डिफ्यूज होने लगते हैं। कौन बताएगा डिफ्यूजन का मतलब क्या है यहां पर, कौन बताएगा डिफ्यूजन का मतलब क्या है? क्या चीज होती है डिफ्यूजन? नहीं समझ में आ रहा? हाँ 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 बोलो बोलो। डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके थे ना? अरे डिप्लीशन लेयर तो बाद में बनेगी, पहले जब हमने जैसे इनको जोड़ा तो पी टाइप में जो एक्स्ट्रा होल होते हैं वो भाग करके एन टाइप में जाते हैं और डिफ्यूज हो जाते हैं, और या फिर ऐसे बोले कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन आते हैं भाग करके तेजी से और पी टाइप में आके डिफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय डिफ्यूजन? मतलब जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ, एन टाइप में जो एन टाइप में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और पी टाइप में जो होल है वो, सर जो एक्स्ट्रा, हाँ, सर वो में मतलब चले जाते होंगे, हाँ, होल में इलेक्ट्रॉन मतलब एक उतना ही पॉजिटिव एक उतना ही नेगेटिव है, मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं, मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूट्रॉन लेयर। डिप्लीशन लेयर नहीं बन, डिप्लीशन लेयर बाद में बनती है, पहले अगर हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मिला देंगे तो वो सेमीकंडक्टर फुस हो जाएंगे, मतलब वो सेमीकंडक्टर कह रहा हूं मैं, वो जो हमारे पी टाइप और एन टाइप के जो पार्टिकल हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल हैं, एन टाइप में क्या होंगे मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में क्या होंगे मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल होल। तो हमारा एक होल इधर से गया और इलेक्ट्रॉन में जाके मिल गया, होल पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो डिफ्यूज कर जाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में यहां पर एक करंट बनती है पॉजिटिव से लेके मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर से एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ एक करंट बनती है, और इस करंट को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में डिफ्यूजन करंट क्या है, काफी अधिक होती है, शुरुआत में, एकदम शुरुआत में डिफ्यूजन करंट काफी अधिक होती है। अब एक चीज अपन भूल गए, क्या पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एन टाइप में माइनॉरिटी में होल्स भी रहते हैं। सही है कि नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? यस सर।
तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी डिफ्यूज होते हैं इसके साथ, तो इनकी वजह से जो एक करंट बनती है उसको अपन कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं उसको हम? क्या कहते हैं बच्चे? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? N से P। N से P। और डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? P से N। अब ऐसा तो है नहीं कि P के सबसे पीछे के जो होल हैं वो आके मिलेंगे, सबसे पहले आगे आगे वाले आके मिलेंगे कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। आगे आगे वाले आके मिलेंगे, और जब ये आगे आगे वाले आके मिलेंगे ना, तो बच्चा लोग आगे आगे आकर के मिलेंगे तो आगे आगे सारे खत्म हो जाएंगे। क्या खत्म हो जाएंगे? क्या खत्म हो जाएंगे आगे आगे आकर के जब मिलेंगे तो? आगे आगे सारे कुछ खत्म हो जाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉन? हाँ, मतलब पी टाइप में एक्स्ट्रा में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन, हाँ पी टाइप में जो एक्स्ट्रा में जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो पी टाइप के होल खत्म हो जाएंगे और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, और इस होल और इलेक्ट्रॉन के लफड़े में आगे एक जगह बन जाएगी, उस जगह को उस लेयर बन जाती है। अब वो लेयर का काम देखना जरा ध्यान से, अब देखना पी टाइप के आप पीछे के होल है वो कहते हैं आगे वाले होल चले गए, आगे वाले होल खाली हो गए तो पीछे से पी टाइप से होल आते हैं, और उसी तरह एन टाइप से पीछे वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं डिफ्यूज होने के लिए, आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, वो सामने जब पी टाइप में घुसने से पहले उसे नेगेटिव की एक दीवार मिलती है। इस नेगेटिव जो चार्ज है ये जब आता है तो इसे नेगेटिव की एक दीवार मिलती है, तो ये नेगेटिव की दीवार इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? जो हमारा रिपेल करेगी, जो हमारा एन टाइप में एक्सेस वाला इलेक्ट्रॉन है वो जब पी टाइप में पीछे से डिफ्यूज होने के लिए जाएगा पीछे वाला इलेक्ट्रॉन, तो उसे सामने एक दीवार मिलेगी, दीवार का सामना करना पड़ेगा, वो उसको रिपेल करेगी यानी कि उसे वापस लौटाने की कोशिश करेगी। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन थक के हार के वापस आ जाएगा? बोलो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सिंपल आंसर बताओ ना, हाँ या ना? यस सर। कुछ आ जाएंगे, मतलब ज्यादातर आ जाएंगे, कुछ फिर भी निकल जाएंगे। मतलब जो क्या है अंदर, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं। एटॉमिक लेवल पे हर कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ? जैसे अगर कोई तुमसे कहे कि अरे यार अमेरिका में तो भ्रष्टाचार है ही नहीं, तो क्या ऐसा सच में अमेरिका में भ्रष्टाचार होगा ही नहीं? उधर कोई रिश्वत नहीं लेता होगा? मतलब ऐसा हो सकता है कि नियम कानून इतने कड़े हैं कि ज्यादातर लोग भ्रष्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो फिर भी भ्रष्टाचार कर रहे होंगे। या फिर हम कहें कि सोमालिया जैसी जगह है, सोमालिया में दुनिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर केवल भ्रष्टाचार है? वहां पर कुछ अच्छे लोग भी तो होंगे, स्कूल चला रहे होंगे, कुछ टीचर लोग होंगे, कुछ वो और लोग होंगे जो लोगों की सेवा कर रहे होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, तो ये सब हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। तो यहां पर भी एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन वो एक्सेप्शन ही होंगे। तो शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में क्या हो रहा था? प्रारंभिक अवस्था में क्या हो रहा था कि खूब सारे जो है डिफ्यूजन हो रहा था, तो हमारी डिफ्यूजन करंट क्या थी? काफी अधिक थी। तो प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत में आई ड्रिफ्ट जो है वो हमारी आई डिफ्यूजन से काफी कम थी प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में ड्रिफ्ट करंट जो थी, माइनॉरिटी वाली करंट है ना ये, तो माइनॉरिटी वाली करंट कम थी, वो तो होती है, वो तो हमेशा ही रहेगी, और डिफ्यूजन करंट प्रारंभिक अवस्था में बहुत अधिक थी। फिर क्या हुआ, नीचे ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर बाद बन गई एक लेयर, लेयर बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डिफ्यूजन करंट है ही नहीं, कुछ तो डिफ्यूजन करंट होगी भाई। हाँ बेटा बोलो। ये लेयर कैसे बनी नेगेटिव चार्ज? फिर से एक बार बताते हैं, हुआ क्या, पी टाइप में जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन थे ना, पी टाइप में मेजोरिटी में क्या थे? होल। और माइनॉरिटी में क्या थे? इलेक्ट्रॉन। तो ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, आगे वाली जगह के सारे आगे वाले जो शुरुआती जगह थी बच्चे, शुरुआती जो सबसे आगे वाली जगह थी वहां पर डिफ्यूजन सबसे ज्यादा हुआ, तो वहां के
जो मेजोरिटी थे वो खत्म हो गए, आपस में मिलके खत्म हो गए, तो अब वहां पर माइनॉरिटी का बोलबाला हो गया। किस तरफ? पी टाइप वाले में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन का बोलबाला हो गया और एन टाइप वाले में माइनॉरिटी होल का बोलबाला हो गया। सही है, एक तरफ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन का दबदबा है और एक तरफ माइनॉरिटी होल का दबदबा है। जो एन टाइप है उसमें माइनॉरिटी होल्स हैं और पी टाइप है उसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन का दबदबा है। तो जो एन टाइप के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप में घुसने की कोशिश करेंगे तो उन्हें एक कड़ा विरोध मिलेगा। वो विरोध होगा हमारा किसकी वजह से? पी टाइप के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की बनी हुई दीवार की वजह से। क्लियर है? बोलो। तो प्रारंभिक अवस्था में हमारी डिफ्यूजन करंट जो थी वो काफी अधिक थी, लेकिन बाद में डिफ्यूजन करंट कम हो गई। तो ऐसा नहीं है खत्म हो गई, बच्चे लोग हमेशा ऐसे बिल्कुल ही सब कुछ प्लस माइनस, मतलब एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। यहाँ पर जो हम एटॉमिक पढ़ रहे हैं ना उसमें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे बहुत सारा होता है। लेकिन आफ्टर अ वाइल क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट तो पहले ही कम थी। ड्रिफ्ट किसकी वजह से थी? ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से थी? हाँ, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की वजह से थी और डिफ्यूजन मेजॉरिटी की वजह से थी। तो माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी है वो तो कम है ही, लेकिन डिफ्यूजन भी कम हो गया। तो आफ्टर अ वाइल आई डिफ्यूजन जो होता है हमारा वो लगभग बराबर हो गया आई ड्रिफ्ट के, और आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन बराबर हो गया तो नेट करंट कितनी हो गई अपनी, कितनी हो गई नेट? जीरो। और इस नेट करंट जीरो होने का कारण क्या है? ये बीच की जगह, इस जगह को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। अनकवर स्पेस चार्जेस है, इसको अपन कहते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं इसको बच्चा लोग? डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। अनकवर स्पेस चार्जेस जो हैं वो डिप्लीशन लेयर कहलाती है, और ये डिप्लीशन लेयर में एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है जो इलेक्ट्रॉन को, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी होल्स को ड्रिफ्ट, सॉरी डिफ्यूज होने से रोक लेता है, और अल्टीमेटली हमारी नेट करंट जीरो हो जाती है जब तक कि हम कोई बाहर से बैटरी नहीं लगाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर हो गई बच्चा लोग? ये जो डिप्लीशन लेयर है ये हमारे इलेक्ट्रॉन को रोक देती है, और दिस इज आर पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है, इसको हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। फिर पीएन जंक्शन डायोड में दो तरह की बायसिंग करते हैं, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग जैसे हमने सामने इस डायग्राम में कर रखी है, और दूसरी होती है हमारे पास रिवर्स बायसिंग। ये हमें काम करना पड़ेगा, इसको हमें मिटा देते हैं अभी, दूसरा वाला कोई इमेज लाते हैं, ये वाली इमेज यहाँ सूटेबल नहीं है। ये एलईडी के लिए इमेज है, लाइट एमिटिंग डायोड। अभी अपन लोग लाइट एमिटिंग डायोड भी आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा पीएन जंक्शन बन गया, इसको हम किनारे पर ले आते हैं। ये हमारा है पीएन जंक्शन डायोड, उसके बाद अपने पीएन जंक्शन की हम लोग बायसिंग करते हैं। बायसिंग करते हैं दो तरह से हमारी बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग, इसमें एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो होता क्या है, यहाँ पर पी टाइप में एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। मैं एक काम करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। हम इधर ऐसे करके एक लाइन बनाते हैं, ऐसे करके इधर एक लाइन बनाते हैं। इस लाइन में हमने को एक और हम लाइन बनाते हैं इधर, ये हम पोटेंशियल बैरियर बना रहे हैं। ये पोटेंशियल बैरियर पी टाइप के तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं एक्स्ट्रा में इस डिप्लीशन लेयर में, ये डिप्लीशन लेयर है हमारी, यहां से
ये हमारी डिप्लीशन लेयर हो गई। मैंने एक चीज यहाँ पर, ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर की रेंज हो गई। उसके बाद एक्स्ट्रा पोटेंशियल किस तरफ होगा, इस तरफ, और कम पोटेंशियल किस तरफ होगा, इस तरफ। ये डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल है, ये हमारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल पोटेंशियल है तो यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया, और यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। किस तरफ नेगेटिव हो गया, पी टाइप वाली तरफ कम पोटेंशियल है और एन टाइप वाली तरफ ज्यादा पोटेंशियल है। यही पोटेंशियल बैरियर हमारे डिफ्यूजन को स्लो कर देता है। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। मतलब ये जो डिप्लीशन लेयर है ना, इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे डिफ्यूजन का आदान प्रदान कम हो जाता है। इसकी वजह से, पोटेंशियल बैरियर की वजह से हमारे डिफ्यूजन का जो आदान प्रदान है वो घट जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, चल अब ठीक है, आज के लिए इतना हो गया। पीएन जंक्शन डायोड कल हम करेंगे और ट्रांजिस्टर कल हम करेंगे। डायोड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो हमने आज पढ़ा उसके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पर आज के लिए हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं। ये मैं आपको भेज दूंगा सर, जो कल वाले नोट्स भी भेज दूंगा। ठीक है, यस सर। कल हमने रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन, ओके थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, ओके बाय सर। वीडियोस भेज, हां हां भेज दूंगा।